जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है, अभी सिर्फ 19 साल की हूँ मैं। कितनी खुश थी मैं जब अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हमने ढेर सारी मस्ती की, और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप पूछेंगे संजना कौन है, तो संजना ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। इसी नाम से बुलाती थी मैं उसे। मिशा बताती थी उसकी आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मिशा भी बहुत डरती थी उससे। सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डांटा। उसके बचपन का प्यार जो थी संजना, और शादी के लिए भी राजवीर ने ही मनाया था संजना को। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे, संजना और राजवीर मंडप में बैठे थे, पर अचानक सब कुछ बदल गया और मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी वो अब मेरा पति है। जानना नहीं चाहेंगे क्यों? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से? और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? ये जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए एक जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविल से शादी।